नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। डॉक्टर शकील और मोहम्मद आसिफ की मेहनत लाई रंग। मुद्दतों से बिछड़ा परिवार 12 वर्ष बाद हुआ एक संग। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के बिगरियागंज बाजार में लगभग 12 वर्ष पहले एक विक्षिप्त नकाबपोश महिला एक मासूम बच्चे को लेकर आई, जो बाजार के पुराने चौक पर ईदगाह के पास बैठकर रातों दिन खुले आसमान के नीचे रहने लगी। इस बात की जानकारी जब डॉक्टर शकील को हुई तो उन्होंने उस महिला को अपने पास रखकर उसका इलाज कराने लगे और उस बच्चे को पढ़ने के लिए गुलशने अतफाल यतीम खाना बिगरियागंज में उसका नाम मोहम्मद आमीन रखकर लिखा दिया, जिसकी देखभाल मोहम्मद आसिफ करने लगे, जिससे अमीन पढ़कर इमाम बन गया और उसकी विक्षिप्त माँ भी डॉक्टर शकील की दवा से ठीक हो गई। इसी बीच लगभग 12 वर्ष बाद सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई कि अमीन के खालू मोहम्मद सफी को हुई, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला निवासी है। सूचना मिलते ही मोहम्मद सफी बिगरियागंज आ गए, जिन्हें देखते ही अमीन की माँ पहचान गई। मोहम्मद सफी ने न्यूज 9 भारत को बताया कि अमीन के पैदा होने के कुछ ही दिन बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया, जिसकी देखरेख हम ही लोग करते थे और आगे भी करते रहेंगे। सबका आभार प्रकट करते हुए 15 नवंबर को मोहम्मद सफी अमीन और उसकी मां को अपने साथ लेकर अपने घर वापस चले गए। बिगरियागंज से रोशन लाल की रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बिगरियागंज बाजार के गुलशने अतफाल यतीम खाना में, जहां लगभग 12 वर्ष पहले एक मासूम बच्चा जिसका नाम अमीन बताया जा रहा है अपने घर परिवार से बिछुड़ कर अपने माँ के साथ आया था, जिसे यहाँ के डॉक्टर शकील साहब ने पाया, उसकी देख रेख की और यहाँ नाम लिखा दिया। बच्चा पढ़ा लिखा, सोशल मीडिया के माध्यम से इसके खालू को पता चला, जो महाराष्ट्र से चलकर यहाँ आए हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं अमीन के खालू से। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी हाजी अब्दुल जब्बार बड़गुजर, तालुक सिरमौर। कैसे पता चला कि आपका बच्चा, आपका ये साढ़ू का बच्चा यहाँ? ये ग्रुप में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में जाने वाला था और वहाँ से हमारे रिश्तेदारों ने बच्चे को मेरा नंबर दिए, उन्होंने हमसे। कितना दिन पहले आप ये बच्चे खोए थे? ये 12 साल हो गए बच्चे को। 12 साल में आपने? बच्चा नहीं खोया, माँ और बच्चा दोनों निकल गए। अच्छा, माँ बच्चा दोनों के 12 साल पहले ये निकल गए थे। तो क्या इनकी माँ की कुछ याददाश्त वगैरह कमजोर है क्या? दिमाग में उस 12 साल के बीच में आपने जैसे खोने की, गुमशुदा की कोई सूचना वगैरह थाने में दिया? थाने वगैरह नहीं दिए हमने, पर हमारे हिसाब से हमने बहुत दरगाह वगैरह पे देखे, क्या है वहाँ है बोल के मालूम में भेजते थे, कहीं पता नहीं लगता। अमीन बाबू, आपके ये खालू हैं, आज आप यहाँ से जा रहे हैं, ये बताइए यहाँ तक आप पहुँचे कैसे? यहाँ तक हम डॉक्टर शकील साहब से। डॉक्टर शकील साहब से कैसे मुलाकात हुई आपको? हम रोड पे फिरते थे इधर उधर, तो डॉक्टर शकील साहब ने हमें देखा, उनको तरस आया, उन्होंने हमारा नाम लिखा। कैसा लगा डॉक्टर साहब, शकील साहब का भी है उनका अखलाक आपके साथ जो बहुत अच्छा है? ऐसा है कि दुनिया में कोई नहीं। अब आप जब यहाँ से जाएंगे, कमाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, तो क्या डॉक्टर शकील साहब के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे? डॉक्टर शकील साहब, ये बच्चे कैसे मिले आपको? ईदगाह के पास ये बच्चा था और हम लोग ईदगाह में वही नमाज पढ़ते थे। बच्चे को देखा कि ये यतीम बच्चा है और इसका कोई वारिस नहीं है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश की इसको अपने कस्टडी में लिया और उसको बातचीत की और इसको पढ़ने के लिए राजी किया। ये बच्चे को गुजरे अस्पताल में एडमिशन दिलाया और इसकी देख रेख की जा रही थी, सब तक गुजरे अस्पताल में इसका एडमिशन करा। डॉक्टर साहब, 12 साल से बच्चे यहाँ, मतलब पढ़ाई लिखाई किया आपने, खर्च किया, लगभग कितना खर्च हुआ होगा आपका? बस ये तो नहीं जो जो लगता है। आसिफ साहब, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? समझ अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम बच्चा अपने परिवार में अलहमदिल्ला मिल गया है। बेचारा बड़ा प्रयास करता था, बहुत हमारे जर भटकती थी। पहले तो ये रोड पर रहता था, हम लोग पता ही नहीं पाते थे कि लड़का है कि लड़की है, इसका हौलिया ऐसा बना हुआ था। फिर पिटा थोड़ी देर उसको अपने यहाँ बुलाए, फिर उसका हौलिया पूरा चेंज हुआ, फिर उसको यहाँ लाया गया, उसका एडमिशन हुआ। अब अलहमदिल्ला ये नमाज भी पढ़ा रहा अल्लाह करम है और बहुत तेजी से इसके क्लास में आगे भी बढ़ रहा है। मुस्तकबिल में कभी कुछ ज़रूरत पड़ी इस बच्चे को, भविष्य में आवश्यकता पड़ी, तो क्या यहाँ से कुछ मदद जाएगी? इंशाल्लाह। न्यूज 9 भारत के लिए बिलरियागंज से रोशन लाल।